क्लासेस दैट इज नाइन स्टाइल मेकिंग मीन्स इसमें से वेट कर रहे थे बराबर तो इस पैरा की नोट मेकिंग करेंगे और तक थ्री फोर पैराज लेंगे मेकिंग ये ध्यान रखना तो सिंपल पैराज की भी आपकी ही आती है इसको सबसे पहले हम स्टडी करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे की पॉइंट्स छाट के किस तरह से लिखते हैं सी देखिए है। सबसे पहले तो पहली पॉइंट तो यही आता है कि अगर मैं और आप इंग्लिश पढ़ के समझ नहीं पाते हैं ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो इस स्थिति में आप ये मान लीजिए कि नोट मेकिंग एक परफेक्ट नोट्स बनाना परफेक्ट नोट मेकिंग करना बहुत मुश्किल है मैं तो समझता हूं इंपॉसिबल है उसके लिए पहली पहली जरूरत यह है फर्स्ट नीड यह है कि यह पैरा हमारी समझ में पढ़ के आ जाना चाहिए देखते हैं पैरा को पढ़ के देखिए पूरा पैरा कंप्लीटली समझ में नहीं आता है तो लमसम लं आउट ऑफ फोर यू यू गेट थ्री थ्री मार्क्स एटलीस्ट थ्री मार्क्स और टू एंड हाफ मार्क्स सक्सेस जो है नेक्स्ट पॉइंट यही आ जाता है से रेगुलर हैबिट्स जो भी है वो रेगुलर हो है मनोरंजन वो सही मनोरंजन हो मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू प्ले द गेम अपने आप को खेल खेल के मजबूत बना ऊपर लागू करें अवॉइड एनीथिंग दैट विल से बचें जो तुम्हारी स्ट्रेंथ को कम करता हो स्ट्रेंथ ताकत को कम करता हो स्मोकिंग इन योर यूथ द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन तो स्मोकिंग जो है आपकी यूथ अवस्था में लोग करने लगते हैं यंग एज में स्टेंट बिंकिंग से भी दूर रहें रिमेंबर दैट योर करेक्टर इज ए प्राइसलेस प्रोसेसन ठीक है ये ध्यान रखना कि आपका जो करेक्टर है वो प्राइसलेस पोसेशन है माने इसकी कोई कीमत नहीं है पोसेशन माने संपत्ति ठीक है ना इज ए प्राइसलेस पोसेसन ये यहां ए था नहीं वो मैंने लिख दिया दे आर फॉर कीप इट अनटारनेस्ड इसलिए अपने करेक्टर को खराब ना होने दें अनिस्ड माने फुल हम्बल कंसिडर इट विचारवान बने टू एवरीबडी हर किसी के प्रतिज टू स्टैंड फॉर गुड प्योर एंड नोबल जो अच्छा है जो शुद्ध है और नोबल मीन जो श्रेष्ठ है उसके लिए उसके पक्ष में खड़े होना सीखें इतनी रखें अवॉइड गैम्बलिंग इन फॉर्म जैसे गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलना ना करें इन गेम ये सब चीज का शौक पाल लें या अच्छी किताबें पढ़ें गुड बुक्स और विद कंपेनियनशिप या फिर अच्छी संगति करें एंड एसोसिएशन लोगों के साथ एसोसिएशन लोगों के साथ जुड़ें कैलकुलेटेड टू एक्सरसाइज ओवर यू एंड इन्फ्लुएंस फॉर गुड इसकी कैलकुलेशन कर लें इस बात की कि ये सब चीजें जैसे किसी का साथ कर रहे हो किसी के साथ एसोसिएशन माने कोई संगठन या किसी के साथ वैसे बना रहे हो तो इस बात की कैलकुलेशन कर लें कि ये सारी चीजें एक एक्सरसाइज के रूप में आपके लिए फॉर गुड आपके लिए आपके ऊपर अच्छा में आप रहते हो आप करनी चाहिए तब हमें सक्सेस का सीक्रेट क्या है ये सारी सीक्रेट चीजें बताते हैं क्लियर तो सक्सेस या सीक्रेट सारे के सारे टाइटल सही होंगे सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ सक्सेस तीसरा टाइटल हो जाएगा हाउ टू गेट सक्सेस अब आपका टाइटल जो है एग्जाम कर कर पाओ वो कर देना इफ यू राइट ओनली टाइटल दैट मीन्स यू विल गेट वन मार्क श्योर उसके बाद में आते हैं अपने नोट्स नोट्स तो इसमें नोट्स इसके क्या बनेंगे देखिए फर्स्ट पॉइंट नोट्स क्या बनेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है सक्सेस तो यह हो ही गया सक्सेस का डिपेंड करती है गुड हेल्थ पे। तो यहां पे लिख सकते हो डिपेंड ऑन गुड हेल्थ आप यहाँ आया चाहें तो सक्सेस यहाँ भी लिख सकते हैं अब डिपेंड में ऐसा होना चाहिए ऐसी कोई जरूरी नहीं यहाँ पे भी मैथमेटिकल साइन होते हैं इक्वल के ग्रेटर देन लेसर देन या स्मॉलर देन है या जो नंबर्स आ जाएं वो हमेशा उसमें इसमें ऐसा कुछ आया नहीं है इसलिए मैंने बताने की ज़रूरत नहीं समझिए और जो शॉर्ट एब्रीविएशन है उनको यूज ही करना है दूसरा पॉइंट इसमें से क्या निकल के आता है और बस ये चीजें हैं तो इनमें आप इसमें पॉइंट डाल सकते हैं क्या डाल सकते हैं तो करके क्लीनलीनेस रेगुलर हैबिट्स फिर सेकेंड पॉइंट आ जाता है अभी प्ले गेम है अवॉइड अवॉइड में क्या क्या चीजें आती हैं देखिए ये एक साथ सेप योर माइंड इससे बचिए दैट विल ताकत आ, आ रही है इस मौके जो बॉडी और ब्रेन कमजोर हो जाता है तो वो स्ट्रेंथ और उसके बाद में और क्या होता है एक करेक्टर वाला ये पॉइंट भी बन जाएगा उसके बाद में ड्रिंकिंग पॉइंट आता है इससे को भी हमें अवॉइड और क्या आ जाता है और कुछ है ये यहां लिखा है वर्ड किस किस से आता है स्मोकिंग ये आई भी करते हो सीधा सीधा स्मोकिंग तब भी गलत ड्रिंकिंग तो करेक्टर एसोसिएशन त्रुत द्रुत ये सब कंपनी यू की वाला सेंटेंस लिख दी तो गेट फुल थ्रीड द होल पेट मेकिंग है तो मोटा मोटी पूरा जो सेंस है बी ट्रूथफुल कोटफियर एंड कंसिडरेट क्या है कि यह हां ये बातें सक्सेस के लिए जरूरी है एक टाइटल और सुंदर आ गई जरूरी है इसी से एक टाइटल बढ़िया और सक्सेस या आप बना सकते हो या नीड फॉर सक्सेस नहीं नहीं नीड द नीड ये भी हो सकता है दो शॉर्टकट टू अंडरस्टैंड ओनली वो एग्जाम में क्या करें तो तब मैं लेकिन बना लेते मैं ऐसा जानता हूं को टीचर पहला एक ये लिख दें। ठीक है ना बाई क्लीनलीनेस यहां तक ले सकते हो तो रेगुलर बने यहां से आ जाओ अवॉयड चीजें हैं तो इनको अवॉइड करके डाल सकते हो इसमें फिर कुछ समझ में मिल जाएगा बच्ची अगर ऐसे ही कर दोगे तो आपको फ्री मिल जाएंगे और